इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट लास्ट ईयर सऊदी अरब और दुबई की तेल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी आपने खुद क्रिएट करनी है। करोड़ों रुपए के बाद एक कोर्स तैयार होता है जो कि पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे है और इसको दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे हम लोग भी नहीं लेके आना है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? टेक्निकल बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, डॉक्टर साहब ने भी की, काशिफ भाई ने, मसरूद भाई ने, सब लोग बातें कर रहे हैं। मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज YouTube पाकिस्तान में बैन हो जाता है या कोई भी ऐसी ऐप जो पाकिस्तान में बैन हो जाती है तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? सही वाला जवाब दें, कर सकते हैं। सबको पता है कि VPN कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी एक बंदे से पूछ लो कि अमेज़न का अकाउंट बनाना, कहते हैं जी बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आसान है। इसका मतलब ये है कि जो काम हम करना चाहते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग, अपवर्क है, फाइबर है, अमेज़न है, जो चीज़ें पाकिस्तान में अलाउ हैं वो हमें नहीं करनी आती, लेकिन जो वेबसाइट ब्लॉक है उसको हम रात के 2 बजे VPN लगा के ऑन कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें पता सब कुछ है, सिर्फ हम करना नहीं चाहते। और जहाँ तक पैसों की बात होती है ना, हदीस पाक का मफहूम है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो देने वाला हाथ है वो बेहतर है। तो देने वाला हाथ कैसे होगा जब वो कुछ कमाएगा? अब पैसों के वाले से लोग कहते हैं कि पैसे ही कब्र में लेके जाने हैं, क्या करना है, लेकिन उसी बंदे से अगर पूछो यार अगर 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो एक्सेप्ट करोगे? वो कहेगा हाँ जी करूँगा। तो मसला ये है कि काम करते हुए मौत पड़ती है, पैसों से मसला नहीं है। मसला ये है कि काम करके पैसे क्यों कमाएं, बस बैठे बैठे आ जाए, यानी हलाल कमाई से प्रॉब्लम है हमें पाकिस्तान को, हराम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी को $1 मिलियन को डकैती करनी पड़ जाए, आसानी से पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन $1,000 कमाने मेहनत करके बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरी तरफ आज हम अपने हमसाय मुल्क को देखें, हमें अब आगे निकलना है, इंडिया को देखें कि इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट लास्ट ईयर सऊदी अरब और दुबई की तेल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बराबर ही आज़ाद हुआ था ना। क्या हुआ कि उन्होंने, आज हम जो बातें कर रहे हैं ना आपके सामने, हम लोग जो आज बातें कर रहे हैं, ये बातें इंडिया ने 20-25 साल पहले एक्सेप्ट कर ली, रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि फ्यूचर आईटी का है, फ्यूचर ई-कॉमर्स का, हमें ये काम करना है। अगली बात आ जाती है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, अपॉर्चुनिटी क्लब भी है और साथ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आपने खुद क्रिएट करनी है, ये आप छोड़ दें कि कोई आएगा आपकी उंगली पकड़ेगा। लोग आपको अवार्ड तब देंगे जब आपको अवार्ड की जरूरत नहीं रहेगी, लोग आपको खाने पे तब बुलाएंगे जब आप 100 बंदों को खाने पे बुला सकते हैं, कोई नहीं बुलाएगा वैसे आपको। अरशद नदीम को आप देख लें, उन्होंने अभी 90 मीटर में जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, अब ऐलान आ रहा है कि फलां कह रहा मैं 10 लाख दूंगा, फलां कह रहा मैं 20 लाख दूंगा, उससे पूछो कि 2 साल पहले 10,000 रुपये दे देते उसको, कोई नहीं देगा भाई। लोग आपको तब पैसे देंगे, लोग आपके साथ बैठना तब पसंद करेंगे जब आप कुछ होंगे। तो जब आपको ज़रूरत नहीं होती चीज़ों की, चीज़ें आपको तब मिलती हैं। तो आप लोगों ने अपना रास्ता खुद चुना है। तो अच्छा, जो अमेज़न की बात है ना, जो अकाउंट सस्पेंड हुआ उसकी मैं आपको कहानी भी बता दूँ। हम पाकिस्तानी ना खैर से रास्ते सारे निकाल लेते हैं, उसकी रीज़न ये हुई थी, लोग आजकल नहीं कहते अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, हम बनाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, ऐसे लोगों को तो कुछ भी नहीं बनेगा। अकाउंट इसलिए सस्पेंड हुए कि ये सब शहजादे और शहजादियाँ एक ही शहर के हैं, ये पाकिस्तान के एक ही शहर और उसके साथ एक और तहसील है, टोटल अकाउंट वहीं के सस्पेंड हुए। मैं नाम नहीं लूँगा शहर का क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे मेरा गाँव, मैंने वहीं से गुजर के जाना होता है। उन्होंने क्या किया, अमेज़न के अकाउंट बनाए, घर पे जितने बंदे थे, जिस जिसका पासपोर्ट बना, चाहे वो फौत हो गया, दादा दादी, नाना नानी, फूफो चाचा ताया, सबके नाम के अमेज़न के अकाउंट बना लिए और उस पर सेल शुरू कर दी। एक अकाउंट पे सेल कर ली $10,000 की, या $6,000 की, या $15,000 की। अब अमेज़न आपको एवरी 2 वीक्स पे आउट करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है आपसे कुछ जाकर बना ले आज। तो एक ऐसा फार्मूला होता है कि आप अमेज़न से 2 दिन बाद भी पेमेंट ले सकते हैं अपने। उन सब ने पेमेंट्स ली और आगे वो जो चीज़ें बेची थी वो भेजी ही नहीं बाहर को। अबे ये तो सीधा सीधा गलत काम है ना, इस पे तो अकाउंट सस्पेंड होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करें तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होते। तो आप लोगों ने अगर इस फील्ड में आना है, डीजी स्किल्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, वहाँ पर कोर्स हमारा अवेलेबल है, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के उस पर 1 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद रिकॉर्ड करवाया, मुझे पता है कि हमें गवर्नमेंट ने क्या पे किया, और उसके अलावा जो स्टूडियो में पर डे रेंट पे करते थे, फिर उसके जो पोस्ट प्रोडक्शन में जो खर्चा हो रहा है, 1 करोड़ रुपये के बाद एक कोर्स तैयार होता है जो कि पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फिर भी अगर कोई ना सीखे तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अपवर्क और फाइबर, बस लास्ट बात करके ख़त्म करता हूँ। लोग कहते हैं जी जब नहीं कमाने होते ना, या कमाए नहीं जा रहे होते, काम नहीं करना होता, तो कहते हैं जी ये तो हराम है। फाइबर के बारे में कहते हैं जी इसराइल की कंपनी है। एक बंदे ने कमेंट किया मेरी एक पोस्ट पे कि जी आप यूथ को बड़ी नेगेटिविटी की तरफ फैला लगा रहे हैं,
ये आपको पता है कि इसराइल की कंपनी है, ये हराम है। तो मैं थोड़ा बाद में जज्बाती हो गया, तो मैंने उसे फिर एक वीडियो में जवाब दिया कि जिस लैपटॉप से आपने मुझे, जिस मोबाइल से कमेंट किया है, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बनाया कि यार, और आप तारिक साहब से जा रहे हैं, तो भाई वो भी तो यहूदियों का है ना, जिससे कमेंट आप कर रहे हैं वो भी तो यहूदियों का है। तो इससे मतलब पता ये चला कि जो काम हम नहीं करना चाह रहे उसके लिए हम रास्ते निकालते हैं। और आप देखें, हमारे लिए किसी भी फील्ड के अंदर क्या लॉजिक होती है, किसी भी फील्ड में हमने देखना होता है कि उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है वो क्या कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके पेट में दर्द हो वो इंजीनियर के पास चला जाए या सीसीपीओ लाहौर के पास चला जाए? मतलब हम इतने अकलमंद हैं कि पेट में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दीन का मसला हो तो घर में बैठ के कहते हैं हलाल है या हराम है? भाई मौलवी साहब से जाके पूछे ना। और जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े उलमा के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, वो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, भाई डॉलर कमा रहे हैं, अगर उनके लिए हलाल है तो आपके लिए भी हलाल है। भाई आपसे सवाल नहीं होगा इंशाल्लाह, पहले उनसे होगा कि आपने कौन को लगाया क्यों थे इस तरह, और वो बड़ी सोच समझ के ये काम करते हैं। तो मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ आ जाएं, अफवर पे, फाइवर पे अकाउंट्स बनाएं, पैसा कमाएं। पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे है, और इसको दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे हम लोग भी नहीं लेके आना। और वो एक उसमें ये भी होता है कि जी हमारी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतने लोग आईटी में ज़्यादा आएंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया में पहले नंबर पे आएगा। थैंक यू वेरी मच।